महंगाई की मार झेल रही देश की जनता को सरकार ने एक बार फिर से दोहरा झटका दिया है। सरकार ने डीजल पर 5 रुपए के इजाफे को मंजूरी दे दी है, साथ ही अब आम जनता को मिलने वाले रसोई गैस के सिलेंडर पर भी सब्सिडी कम कर दी गई है। अब आम जनता को साल में सिर्फ 6 सिलेंडर्स पर ही सब्सिडी मिलेगी और इसके बाद 7वां सिलेंडर बाजार भाव यानी 746 रुपए पर मिलेगा। दिल्ली में हुई सीसीपीए की बैठक में इस वृद्धि को मंजूरी दे दी गई है। इन कीमतों पर जो वैट लगेगा वो अलग है। इस इजाफे के पीछे सरकार घाटे की दुहाई दे रही है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि डीजल और रसोई गैस में इजाफे के साथ ही आम आदमी पर महंगाई का बोझ बढ़ने वाला है। डीजल के दामों में इजाफे के बाद सीधा असर किसानों पर पड़ेगा और इसके अलावा आम उपभोक्ताओं की वस्तुएं भी महंगी हो जाएंगी क्योंकि इसके परिवहन की लागत भी बढ़ने वाली है। तो लगातार आम आदमी की जेब पर भार पड़ता जा रहा है और इस बार जो इजाफा किया गया है उसे देखते हुए लगता है कि महंगाई अपने चरम की सीमाओं को भी पार कर गई है और हर जगह लोगों में इसे लेकर आक्रोश है। तो डीजल की कीमतों में इजाफा होने के बाद मेट्रो शहरों में किस तरह का रेट होगा, किस तरह की का रेट होगा वो आप देख सकते हैं, किस तरह डीजल का डाका पड़ने वाला है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आप देख सकते हैं पहले डीजल का क्या रेट था और अब कीमतें बढ़ने के बाद नई कीमत क्या होने वाली है। प्रति लीटर आप देख सकते हैं डीजल का डाका पड़ने वाला है लखनऊ में और उसके बाद अब गांधीनगर के बारे में जान लेते हैं, 45.89 और अब 50.89। बंगलुरु की अगर बात करें तो वहां पर भी कीमतों में इजाफा हुआ है। भोपाल में अब कीमतें 50 रुपए से भी ज्यादा हो गई हैं। भुवनेश्वर की बात करें तो यहां 48 रुपए से ज्यादा कीमत हो गई है डीजल की। 5 रुपए का इजाफा जब किया गया है तो अलग अलग शहरों में अलग अलग कीमतें और अब कीमतों में जो इजाफे हुए हैं वो नई कीमतें आप देख सकते हैं। देहरादून में 49 रुपए से भी ज्यादा डीजल की कीमत हो गई है प्रति लीटर। गुवाहाटी में आप देख सकते हैं उसमें भी 49 से ज्यादा लगभग 50 रुपए प्रति लीटर पड़ने वाला है। हैदराबाद 50 रुपए की इस सीमा को भी लांग गया है और ईटानगर में भी अब कीमतें 45 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा हो जाएंगी। जयपुर की अगर बात करें तो 48 रुपए से ज्यादा कीमतें हो गई हैं। जम्मू में भी 47.56 रुपए प्रति लीटर पर डीजल बिकेगा। कोहिमा में 45.98 रुपए जो कि लगभग 46 रुपए प्रति लीटर माना जाए और उधर पटना में 50 रुपए से ज्यादा कीमत हो गई है डीजल की। रायपुर की बात करें तो 50.71 रुपए प्रति लीटर डीजल की कीमत अब है। रांची में 48.18 रुपए। डीजल की मार किस तरह पड़ने वाली है देख सकते हैं आप। शिमला में 45.84 रुपए प्रति लीटर कीमत होगी। श्रीनगर में 49 रुपए से ज्यादा जो लगभग 50 रुपए आंका जाए और त्रिवेंद्रम में भी 49 रुपए से ज्यादा की कीमत है। तो लगातार डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। 5 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ है डीजल और उसके बाद अब आपकी जेब पर चौतरफा मार पड़ेगी क्योंकि खाने पीने की चीजें भी महंगी होंगी क्योंकि उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बढ़ जाने वाला है डीजल की कीमतें बढ़ने से और इसकी मार अब आने वाले दिनों में आपको झेलनी पड़ेगी। और ये जो कीमतें बढ़ी हैं इससे साफ है कि ये सिर्फ और सिर्फ डीजल की कीमतें नहीं है। आने वाली दिनों में खाने पीने से लेकर हर तरह की चीज जो कि बाहर से आपके शहर में आती है उसकी कीमतों में इजाफा होगा। सिलेंडर की अगर बात करें तो सब्सिडी कम काट दी गई है। दिल्ली में 746 रुपए प्रति सिलेंडर आपको पड़ेगा यानी 6 सिलेंडर के बाद अगर आप 7वां सिलेंडर लेते हैं तो उस पर आपको कोई सब्सिडी नहीं मिलने वाली है। कोलकाता में 748 रुपए, लखनऊ में 753 रुपए। डीजल के बाद सिलेंडर की कीमतें भी बढ़ चुकी हैं। भोपाल में 798 रुपए प्रति सिलेंडर आपको पड़ने वाला है और चंडीगढ़ में 763 रुपए प्रति सिलेंडर। ये 7वां एलपीजी सिलेंडर अगर आप लेते हैं तो आपको इन कीमतों पर मिलेगा। जयपुर में 723 रुपए प्रति सिलेंडर, पटना में 767 रुपए प्रति सिलेंडर और दिल्ली में 746 रुपए।
अफसर आपको बता चुके हैं। मुंबई में 770 रुपए प्रति सिलेंडर, कोलकाता में 748 रुपए प्रति सिलेंडर दाम बढ़ चुके हैं, लखनऊ में 753 रुपए प्रति सिलेंडर। तो हर सातवां सिलेंडर आपको महंगा पड़ने वाला है क्योंकि उस पर सब्सिडी आपको नहीं मिलेगी। सरकार के ऐलान के बाद हमारे संवाददाता ने पेट्रोल पंप का जायजा लिया, जहां डीजल की बढ़ी कीमतों से लोग परेशान हुए। आम आदमी को एक बार फिर महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी। देर शाम सीसीपीए की बैठक में फैसला लिया गया कि 5 रुपए जो है डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की जाएगी। इसके अलावा जो है जो केरोसिन में जो सब्सिडी दी जा रही थी, अब एक आम आदमी को केवल 6 सिलेंडर साल में मिलेंगे। अगर आपको और सिलेंडर खरीदने हैं तो उसके लिए आपको सब्सिडी का पैसा भी चुकता करना पड़ेगा। इस वक्त हम दिल्ली के चाणक्यपुरी के एक पेट्रोल पंप पे मौजूद है। यहाँ पे पहले मैं आपको रेट दिखा दूं, जो डीजल का जो रेट चल रहा है वो इस वक्त यहाँ पे 41 रुपए 32 पैसे है। आज रात से 5 रुपए की दर से रेट बढ़ जाएगा और उसके बाद जो दिल्ली में नई दरें होंगी वो 46 रुपए 32 पैसे के आसपास होंगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रेट दिखाई दे रहा है वो 41 रुपए 32 पैसे है, लेकिन कल जब आप सुबह पेट्रोल डीजल डलवाने जाएंगे तब ये रेट होगी 46 रुपए 32 पैसे। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है जो यहाँ पेट्रोल पंप पे आए हुए हैं डीजल डलवाने के लिए। साहब ये बताइए, सरकार ने जो फैसला लिया उसमें ये है कि 5 रुपए डीजल पे बढ़ोतरी की गई है और उसके अलावा 6 सिलेंडर जो घर में एलपीजी के इस्तेमाल किया था वो दिए जाएंगे। देखिए ये तो एक बहुत तगड़ी मार आम आदमी पे पड़ेगी क्योंकि ऐसे ही इन्फ्लेशन बहुत तगड़ी है जी। और इसके बाद एडिशनल, क्योंकि ये डीजल का कॉस्ट बढ़ने से ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगा और मार्केट कहाँ जाएगी हम बता नहीं पाएंगे। आम आदमी के लिए तो जीना बहुत हरा, एक तरीके से बहुत ऐसे ही मुश्किल हो चुका है इस अभी प्रेजेंट सिनेरियो में। एंड पर्टिकुलरली अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए तो सर्वाइवल बहुत ही मुश्किल हो चुका है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं, जो सिलेंडर ब्लैक में खरीदते हैं, उनके लिए काफी दिक्कतें हो सकती हैं। इसके अलावा जो डीजल की जो दरें बढ़ी हैं उससे सीधे रूप से महंगाई पे असर पड़ेगा क्योंकि जितनी भी ट्रक फार्मिंग होती है, सब्जी आती है, जितना भी माल ढोवा जाता है उसमें सीधे रूप से बढ़ोतरी होगी और एक आम आदमी पे जो है मार पड़ेगी। इससे आपके किचन का बजट भी सिकुड़ सकता है। इस समय कैमरामैन नूर के साथ मृगांक प्रभाकर। और डीजल के दामों में इजाफे और रसोई गैस के सिलेंडर पर से सब्सिडी कम करने से आम जनता में बेहद नाराजगी है। सुना था मानसून में पानी डूबाता है, ये सरकार तो बिल्कुल सूखा लाने वाली है डीजल और पेट्रोल का। आम आदमी बिल्कुल त्रस्त है, कम से कम मेरे जैसा आदमी जो पूरे दिन 12 घंटे मेहनत करता है क्या करेगा, कहाँ से कमाएगा, कहाँ से खाएगा। बहुत फर्क पड़ेगा। मैं तो समझता हूँ कि क्या गवर्नमेंट कर रही है, क्या समझ नहीं सकता कि ये क्या हो क्या रहा है। डीजल मेरे ख्याल से फिर पेट्रोल में बढ़ने वाला सुना था मैंने, अब पेट्रोल में बहुत फर्क पड़ेगा भाई। गाड़ी चलनी बंद हो जा रही, मेट्रो वेट्रो सब कुछ है लेकिन गाड़ी उतनी है, अब कोई फायदा नहीं है इस गवर्नमेंट से, तो कोई उम्मीद ही नहीं कर सकता है। 5 रुपए जो डीजल गवर्नमेंट ने बढ़ाए हैं बहुत ज्यादा बढ़ाए हैं, ये आम पब्लिक जो है, आम पब्लिक की डेली लिविंग में बहुत फर्क पड़ेगा, गरीब आदमी के लिए बहुत फर्क पड़ेगा। सब्जी भाजी हर चीज महंगी होगी, ट्रांसपोर्ट महंगी हो जाएगी, तो गवर्नमेंट को अदर मीन्स गवर्नमेंट को फंड चाहिए, गवर्नमेंट को अदर मीन्स देखने चाहिए कि ना कि पेट्रोलियम इंडस्ट्री स्टेट गवर्नमेंट उठती है वो अपनी लवाई लगा देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट उठती है अपनी लवाई लगाती है। और उधर अहमदाबाद में कीमतें बढ़ाए जाने को लेकर क्या प्रतिक्रिया आ रही है देखते हैं। इलेक्शन है और ये राजनीति का एक पार्ट है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। कल से कोई गाड़ियां बंद नहीं हो जाएगी और गैस भी यूज होना कभी कहीं भी बंद नहीं होगा, ये तो रूटीन है। और मेरे ख्याल से ये तो राजनीति का एक मास्टर स्ट्रोक है जिससे कोल को मन दब जाएगा, अब पब्लिक में इसकी चर्चा शुरू हो जाएगी। डीजल में 5 रुपए की कीमत में हुई बढ़ोतरी के बाद आम आदमी की कमर टूट चुकी है। फिलहाल हम हैं अहमदाबाद के एक पेट्रोल पंप पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो अपने डीजल गाड़ियों में पेट्रोल भरवाने के लिए आ चुके हैं। और खासतौर पर अगर बात की जाए, जिस तरीके की भाव में बढ़ोतरी हुई है उससे आम आदमी का जीना काफी मुश्किल हो जाएगा। हमारे साथ एक सज्जन है, उनसे बात करते हैं। आपका नाम बताइए। दिनेश भाई गांधी। अच्छा दिनेश भाई, ये 5 रुपए की डीजल में बढ़ोतरी हुई है, कैसे देखते हैं आप, क्या रिएक्शन है आपका? इसमें बहुत महंगाई बढ़ेगी, आम आदमी नहीं जी पाएगा, वो काफी महंगा सब कुछ हो जाएगा, खाने के लिए भी सब कुछ महंगा हो जाएगा, गरीब इंसान नहीं जी पाएगा। ये कम से कम उसको कम से कम इमीडिएट इफेक्ट से डाउन करना चाहिए अभी। तो यानी कि कहीं ना कहीं यह मांग उठ रही है कि जो डीजल की कीमतों में भाव बढ़ोतरी हुई है उसको कम कर देना चाहिए। एक और सज्जन हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। जो गैस सिलेंडर, एलपीजी गैस सिलेंडर होगा वो पूरे साल में सिर्फ 6 मिलेंगे और
अगर आपको ज्यादा चाहिए तो वो 750 रुपया प्रति सिलेंडर होगा, क्या कहेंगे आप? अरे इतनी तो 6 सिलेंडर में तो एक फैमिली का गुजरा नहीं होता, अभी सब महंगाई बढ़ गई है इसलिए सब इकट्ठे रहते हैं संयुक्त कुटुंब में, तो 7-8 आदमी होते हैं, एक महीने से ज्यादा सिलेंडर चलता नहीं है, तो इतने जो 6 सिलेंडर देखा तो 6 महीने के बाद 746 की 750 में एक एक सिलेंडर लेना बहुत महंगा ही पड़ेगा, लोगों को परेशानी हो जाएगी। तो यहाँ पर लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि जिस तरीके से ये 5 रुपये डीजल में बढ़ोतरी हुई है और खासतौर पर एलपीजी गैस सिलेंडर में जो उसकी सीमा एक तय की गई है कि पूरे साल में महज 6 मिलेंगे, तो उसको लेकर लोगों में काफी नाराजगी दिख रही है। इस समय अहमदाबाद से कैमरामैन जितेंद्र पटेल के साथ दीक्षित सोनी। तो कीमतें बढ़ाए जाने से कोल ब्लॉक पर पहले से ही आक्रामक हो रही बीजेपी को एक और बड़ा मुद्दा बैठे बिठाए मिल गया है। बीजेपी का कहना है कि वो इस मुद्दे को लेकर भी सड़क पर उतरेगी। एक तरफ जहां देश का खजाना केंद्र की सरकार लुटवा रही है, लूट रही है, देश को घाटे में डाल रही है, उस बड़े लूट की भरपाई करने के लिए सामान्य लोगों पर इस प्रकार का बोझ डाल रही है। आज 5 रुपया कीमत जो बढ़ाया गया है, ये इसका सीधा प्रभाव इस देश के किसानों पर पड़ेगा, ट्रैक्टर चलाने वाले किसानों पर पड़ेगा, मजदूरों पर पड़ेगा जो बस लेकर के सवारी करते हैं और शहरों में जाते हैं, ट्रांसपोर्ट पर पड़ेगा जिसमें सब्जियां लादी जाती हैं और शहरों तक पहुंचाया जाता है, इसका रेलवे पर पड़ेगा और इसका बहुत गंभीर परिणाम इस देश को देखना पड़ेगा। और इस इजाफे को वामपंथी दलों ने भी जन विरोधी बताया है। इज एन एंटी पीपल रेट्रोग्रेड मेजर taken by the Congress-led UPA 2 government. We will protest, we condemn this hike, particularly the hike in the price of diesel will lead to cascading effect. Already the prices are high, inflation is high. The Congress-led UPA 2 government has completely failed to control the prices and curb the inflation. Now the present hike in the price of diesel will further lead to cascading effect.